नमस्कार, मैं संजय बग्गो और आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई है। पिछले दो बार के बड़े मैंडेट के साथ आगे आई है, यानी कि 2014 के अंदर जो बीजेपी को मैंडेट मिला था 47 विधायक मिले थे, 2019 के अंदर सरकार बनी लेकिन 40 विधायकों के साथ, और इस बार जो हैट्रिक सरकार बनी थर्ड टर्म में, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 48 विधायक अपने बूते और 3 निर्दलीय विधायकों का सरकार को समर्थन, यानी कि एक मजबूत सरकार अस्तित्व में आ गई है। आज हरियाणा मंत्रिमंडल ने शपथ ली। हरियाणा के अंदर आप कहें तो आप मान सकते हैं कि एक ऐसा मंत्रिमंडल बन गया है, ऐसी सरकार बन गई है जिसमें अब किसी और को रिशिफल करने की गुंजाइश नहीं है, यानी कि किसी और एंट्री की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 14 सदस्यीय हरियाणा का मंत्रिमंडल हो सकता है वो आज पूरा हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ले ली। अब चर्चाएं एक पचल पड़ी हैं कि इस सरकार में जो नया मंत्रिमंडल बना है, नई वजारत बनी है, इसके अंदर जातीय समीकरण कैसा रहा और उसको आगे आगे कैसा कैसा संतुलन साधा जाएगा। हरियाणा के अंदर एक बात चल पड़ी है कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री बनाए गए हैं, वो जो सत्ता का समीकरण, खासकर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में कई बार कहता रहा हूं कि राजनीति के अंदर सबसे प्रमुख होता है जातियों की केमिस्ट्री, यानी कि अगर कहें तो राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है कास्ट कम्युनिकेशन, कि उनका किस प्रकार से जमा घटा किया जा रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का जो 48 सदस्यीय विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का, 8 विधायक पंजाबी समाज के हैं, इसके बाद में 7 विधायक इस विधायक दल के अंदर ब्राह्मण समाज के हैं, फिर बाद में आते हैं तो 6 विधायक इसके अंदर जाट समाज के हैं, 6 विधायक यदुवंशी हैं, उसके बाद में 8 विधायक इसके अंदर दलित हैं, SC और SCA और SCB दोनों मिला करके। इसके बाद अगर चलें तो फिर 2 राजपूत हैं, 2 वैश्य हैं, 2 रोड़ हैं, 4 गुजर हैं, ये तमाम समीकरण है कास्ट फैक्टर के हिसाब से। और अगर बात आ जाती है कि उनको राजनीतिक भागीदारी कैसी मिली है, किस प्रकार के जो विधायक बने हैं उनको किस प्रकार सेट किया गया है मंत्रिमंडल के अंदर, अगर पंजाबी समाज की बात करें जिनके 8 विधायक हैं, तो पंजाबी समाज से अनिल विज को मंत्री बनाया गया है, मात्र एक मिनिस्टर। अगर उसके बाद में हम जाट समाज की बात करते हैं जिनके 6 विधायक हैं, तो फिर जाट समाज के सरकार के अंदर 2 मंत्री बनाए गए हैं, एक महिपाल ढांडा और दूसरे बनाए गए हैं श्रुति चौधरी। अगर बात आ जाती है ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज जिनके 7 विधायक हैं उनके भी 2 मंत्री बनाए गए हैं, अरविंद शर्मा और गौरव गौतम। अगर बात आएगी गुर्जर समाज की, तो गुर्जर समाज जिनके 4 विधायक हैं उनके 1 मंत्री बने हैं, राजेश नागर, स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री। अगर अगली बात करेंगे फिर वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज के 2 विधायक हैं, घनश्याम सर्राफ और विपुल गोयल, जिनमें से विपुल गोयल को मंत्री बनाया गया है कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। अगर यदुवंशी यादव समाज की बात करेंगे जिनके 6 विधायक हैं, तो फिर उनके भी 2 विधायक मंत्रिमंडल में लिए गए। जिन 2 को मंत्री बनाया गया उन 2 नेताओं के अंदर, यानी कि यादव समाज के जो 2 नेता मंत्री बने, राव नरवीर सिंह और आरती राव। अगर आपको इन दोनों नेताओं में ये कह लें, आरती राव और राव नरवीर सिंह को लेकर दोनों कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनको कैबिनेट की ओथ मिली है, जो कैबिनेट वजीर दोनों बने हैं, एक पूर्व और एक पश्चिम, ऐसे उत्तरार्ध हैं राजनीति के, यदुवंशी राजनीति के। तो ये यादव समाज के 2 मंत्री राव नरवीर सिंह और आरती राव। अगर आगे बात करें SC समाज की, दलित समाज की, जिनके 8 विधायक हैं, तो दलित समाज के 2 मंत्री, कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण बेदी, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर, एक SCA से और एक दूसरे SCB से। अगर बात करेंगे BC समाज की, बैकवर्ड समाज की, तो फिर उनमें से भी 2, रणवीर सिंह गंगवा और खुद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और रणवीर सिंह गंगवा कैबिनेट मिनिस्टर। अगर राजपूत समाज की बात करेंगे जिनके 2 विधायक हैं, श्याम सिंह राणा और योगेंद्र राणा, तो फिर राजपूत समाज के 1 मंत्री श्याम सिंह राणा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। यानी कि जो आप कास्टवाइज बांटे 14 मंत्रियों को, तो 14 मंत्रियों के अंदर OBC समाज से, BC समाज से 2, जाट समाज के 2, यदुवंशी 2, ब्राह्मण समाज के 2, ये 8 नेता बड़े हो गए। उसके बाद में दलित समाज के 2, 10 यहाँ पहुँच गए, 1 पंजाबी समाज से,
एक गुर्जर समाज से, एक वैश्य समाज से और एक राजपूत समाज से। इस लिहाज से जो जातियों का गुलदस्ता बनाया नायब सिंह सैनी सरकार का, उसके अंदर 14 वजीर इस प्रकार से लिए गए, यानी कि जो कास्ट फैक्टर लिया गया वो यूं फिट बिठाया गया। अब लोगों के बीच चर्चा ये चल पड़ी है कि इनके पोर्टफोलियो क्या होंगे, अनिल विज को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, पंजाबी समाज से इकलौते नेता हैं, पावरफुल मिनिस्टर हैं, और अनिल विज को कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है। अगर आगे बात आएगी तो फिर कृष्ण लाल पंवार कौन सा मंत्रालय संभालेंगे, कृष्ण बेदी को क्या मिलेगा, राव नरवीर सिंह और विपुल गोयल कौन से वजीर होंगे, गौरव गौतम स्वतंत्र प्रभार में कौन से डिपार्टमेंट को संभालेंगे, श्रुति चौधरी और आरती राव ये जो महिलाओं की प्रतिनिधित्व करेंगी, इनके चलते हुए नारी सशक्तिकरण कितना मजबूत होगा। ये तमाम जो मिनिस्ट्रीज मंत्रालय मिले हैं, अब इसके बाद में चर्चाएं शुरू हुई। हालांकि कल तक सभी को पोर्टफोलियो मिल जाएंगे और सभी मिनिस्टर जो सभी वजीर हैं अपना कामकाज संभाल लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो जातीय समीकरण साधा गया है नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा या भारतीय जनता पार्टी आलाकमान द्वारा, जैसे मंजूरी मिल गई, इससे हरियाणा का कास्ट फैक्टर किस लिहाज से सधेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जातीय समीकरण साधने में किसी प्रकार का कहीं कोई असंतुलन तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। और तीसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि नायब सिंह सैनी के जो आने वाले दिन हैं, जो उनका 100 दिन का रोड मैप होगा, आप उनको कौन से सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि सरकार बेहतर कार्य कर सके, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।